फाइनली नाज़रीन ग्रामी इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं और आज है 10 सितंबर और पाकिस्तान और इंडिया का मैच होने वाला है, वो भी टकराए का, ठीक है। अब इन दोनों में टॉस होगा, कैप्टन बाबर आजम और कैप्टन रोहित शर्मा, ठीक है। आर यू ओके? ओके ओके, आर यू रेडी? ओके, टॉस होने जा रहा है, टॉस उठाइयो। हेड्स, फाइनली पाकिस्तान विन द टॉस, हाउ टू चूज बेटर बॉल, बैट, पाकिस्तान इलेक्टेड टू बैल, कैन यू कैन बोल नाउ, यू कैन चेंज योर यूनिफॉर्म एंड प्ले टुगेदर, ठीक है। एशिया कप की ये ट्रॉफी पता नहीं कौन लेके जाएगा, पाकिस्तान या इंडिया, ठीक है। मिलते हैं 5 मिनट की ब्रेक में, बात क्या लगता है रमेश, कौन जीतेगा, पाकिस्तान और या इंडिया? यार उम्मीद तो पाकिस्तान ही जीतेगा। लो जी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान बैटिंग पर आ चुके हैं और बाबर आजम स्ट्राइक ले रहा है, अब छक्के पे छक्का होगा मुझे लगता तो यही है, देखिए आगे। और इधर पांड्या भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ, अब पहली बार स्टार्ट होने वाली है, देखो देखो, हियर वी गो, पहली बार स्टार्ट होने वाली है पांड्या की और ये लगा छक्का, पहली बॉल पे सिक्स लगा दिया, देखा ना, मैच तो भाई बनता ही जा रहा है, अभी लगा ओ चौका लग गया फिर से, अभी फिर से छक्का लग गया, ओडिया छक्का लग गया, अब फिर से छक्का, रन पे रन बन रहे हैं, बाबर आजम वेरी कॉन्फिडेंस प्लेयर है, अभी रिजवान ने भी चौका लगा दिया, ओए होए होए, आज तो यकीन कर दिल ठार दे मेरा, अभी लास्ट बॉल है पांड्या की और फिर से वो कैच उठा दिया, ओ ओ कैच छूट गया, फिर से छक, अभी कोहली की फर्स्ट बॉल और ओ लगता है आउट हो गया और फिर से बाबर आजम ने छक्का लगा दिया, पाकिस्तान की बैटिंग लाजवाब लाजवाब। लो जी, बाबर आजम ने कैच उठा दिया है और ये छूट गया, बाबर आजम का छक्का और ये 50 मुकम्मल कर ली बाबर जी। तो शाहीन शाफरीदी ने भी चौका लगा दिया और फिर से चौका, इसी के साथ पाकिस्तान ने मुकम्मल कर लिया 400 रन, जैसा कि आप देख सकते हैं इंडिया को चाहिए 400 रन जीतने के लिए, 400 का टारगेट दे दिया पाकिस्तान ने, अब क्या बनेगा इंडिया का, इंडिया तो रो रो के मर जाएगा। शाहीन शाह के हाथ में बॉल और स्ट्राइक पे कोहली, रोहित शर्मा और कोहली पहले बैटिंग पर आए हैं, क्या लगता है ये सब आप कर सकेंगे, ये विकेट जाएगी। लो जी, शाहीन शाह अफरीदी की पहली बॉल और ये पहली बॉल पे 4 रन और कोहली ने फिर से सिक्स लगा दिया जी। तो ये क्या कैच की अपील की है और ये 4 रन और ये रोहित शर्मा सिंगल डबल की गेम खेलते हुए और ये सिक्स लगा दिया, अब इस बॉल पे कोहली ने भी सिक्स लगा दिया, कोहली ने छक्का मार दिया, ओए भाई कोहली तो छक्के पे छक्के मार रहा है, इस बॉल पे लगता है कोहली आउट हो जाएगा मेरे ख्याल से, ओ हाँ यस आउट हो गया, कोहली आउट हो गया, शाहीन शाह अफरीदी ने विकेट उठा ली, ओए कोहली पवेलियन वापस और ये रोहित शर्मा फिर से सिंगल की गेम खेलते हुए और ये कैच हो सकता है, जी हाँ कैच हो गया, रोहित शर्मा भी गया, रोहित भी पवेलियन वापस, ओ पांड्या ने 4 रन कर लिए, दैट्स ओ और ये 4 रन हो सकते हैं, हाँ जी हाँ, और ये आउट की अपील और ये जी हाँ आउट आउट, अब इनको पवेलियन वापस जाना पड़ेगा और पाकिस्तान विन द मैच, पांड्या भी गया, सब के सब आउट हो गए, इंडिया 60 स्कोर पे ऑल आउट हो गई है, पाकिस्तान विन द मैच, जिंदाबाद पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, अभी मिलते हैं ट्रॉफी देते हैं, सही है, चलो। फाइनली नाज़रीन, वो घड़ी आ चुकी है, पाकिस्तान ने ट्रॉफी जीत ली है, वो भी फाइनल मैच की, वेल डन पाकिस्तान, वेल डन शाहीन शाह अफरीदी, यू आर पाकिस्तान ब्यूटी, चलो ट्रॉफी एंजॉय करो। तो नाज़रीन ये था पाकिस्तान का मैच जो कि पाकिस्तान जीत चुका है, आई होप आपको ये पाकिस्तान का मैच पूरा पसंद आया होगा, एक ऐसा शेयर जरूर करो, लाइक सब्सक्राइब जरूर करो।